नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल सेलेक्शन मेंटर में। और मैं विरत दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूँ करंट अफेयर्स के सेशन में। आज 5 अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो लेट स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ 5 अप्रैल 2020। तो यहाँ पर हम लोग जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, नीचे जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करेंगे कि आप जो है इस वीडियो को पसंद करेंगे और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए आज की पहली करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ते हैं। पहली न्यूज़ यहाँ पर लिखी हुई है, फर्स्ट दिखा हुआ है, नेम द मिनिस्ट्री विच एडवाइज द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC टू फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन लिमिटेड रजिस्ट्रेशन ऑफ BS4 व्हीकल्स। तो आपको बताना है उस मंत्रालय का नाम जिसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को BS4 वाहनों के सीमित पंजीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन की सुविधा दी है। ऑप्शन यहां पर चार रखे हैं और इस ऑप्शन में करेक्ट आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन और आंसर में बताता चल रहा हूँ, अगर उसकी कुछ डिटेल है तो वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता चल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने NIC से कह सकते हैं कि कोई एक रिक्वेस्ट किया है, एक सजेशन दिया है, ऑर्डर तो नहीं है, सजेशन है एक तरीके से, कि दिल्ली NCR रीजन को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर जो BS4 व्हीकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो लिमिटेड किया जाए, न्यून किया जाए, कम किया जाए। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27/3/2020 के ऑर्डर में ये बात भी कही है कि जैसे ही ये लॉकडाउन का पीरियड आपका ओवर होगा, 14th of April को ये लॉकडाउन का पीरियड ओवर हो जाएगा, तो लॉकडाउन का पीरियड ओवर होने के 10 दिन के भीतर जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अपने जितने भी अनसोल्ड BS4 व्हीकल्स हैं उसका 10% का सेल कर देना है विद इन 10 डेज। यानी अगर 14 तारीख को ये खुलता है तो 14 तारीख से 10 दिन के भीतर ये अनसोल्ड जो गुड्स, क्या नाम है, BS4 व्हीकल्स हैं, इनको क्या कर देना है, सोल्ड कर देना है। और ये आदेश जो है ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा दिया गया, जिस बेंच में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक शामिल थे। ठीक है, तो ये आपको इसकी डिटेल मिल गई। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बेटा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है इसको वन बाय वन आप लिखते चलोगे। ठीक है, सेशंस के जो जो PDF हैं ये आपको प्रोवाइड होंगे और इसके लिए जो नीचे आप देख रहे हैं स्क्रोल हो रहा है, जो इसमें व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए और आपको इसकी PDF जो है आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप यहाँ पर हमें सुनिए और उसके बाद जो है PDF से रिवीजन भी करिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, विच इंडियन डिपार्टमेंट अनाउंसेस द पोस्टपोनमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म स्टाम्प ड्यूटी ऑन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट फॉर 3 months अनटिल 3 months टिल July 1, 2020। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और यहां पर हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है, किस भारतीय विभाग ने 3 महीने के लिए कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर एक समान स्टाम्प ड्यूटी जो है, यानी यूनिफॉर्म स्टाम्प ड्यूटी जो है उसके कार्यान्वयन को स्थगित करने की घोषणा करी है। तो ये घोषणा करी गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा, इसको हिंदी में राजस्व विभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्व विभाग। तो ये जो घोषणा है ये राजस्व विभाग के द्वारा करी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो राजस्व विभाग ने यहां पर 3 महीने यानी 1 जुलाई 2020 तक, यानी 1 अप्रैल 2020 से 1 जुलाई 2020 तक जो है वो यूनिफॉर्म स्टैम्प ड्यूटी का जो ट्रांसफर है उसको जो है वो रोका गया है। क्या कह सकते हैं कि उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पोस्टपोन किया हुआ है जितने भी प्रकार के मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर, चाहे वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, फीचर्स हो, ऑप्शन हो, कुछ भी हो, सभी के ऊपर रोक दिया गया है। ठीक है, और यहां पर एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है, देखिए यहां पर लिखा है, द स्टैम्प ड्यूटी रेज लेविड बाय महाराष्ट्र विल बी टेकन एज अ बेंचमार्क। तो ये एज अ बेंचमार्क लिया जाएगा क्योंकि यहां से कलेक्शन जो है वो करीब 70% होता है अगर हम महाराष्ट्र से बात करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रेस्क्यू पैकेज नीडेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज फेसिंग इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम कोरोना वायरस एज पर UNCTAD। देखिए UNCTAD एक संस्था है, अभी इसके बारे में बता देते हैं। आपको मालूम है कि आजकल जो पूरा विश्व है कहीं ना कहीं नोवल कोरोना वायरस
से प्रभावित है, बहुत सारे लोग जो है इससे ग्रसित हो रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को, सिलेक्शन मेंटर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहने का यही इस समय सबसे अच्छा तरीका है। लॉकडाउन का पूरा सहयोग करिए, घर में रहिए, और आप पढ़ना, आपकी पढ़ाई तो रुक नहीं रही है, क्योंकि मैं आपको यहाँ से, सिलेक्शन मेंटर आपको यहाँ से लगातार आपकी जो है सहायता करने में जुटा हुआ है। तो अंकटाड के अनुसार कोरोना वायरस से आर्थिक क्षति का सामना करने वाले विकासशील देशों के लिए कितने बचाव पैकेज की आवश्यकता है, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है $2.5 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन की आवश्यकता है, यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अंकटाड का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। अंकटाड का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसको अंकटाड के रूप में भी जानते हैं। इन्होंने कॉन्फ्रेंस करके, वैश्विक कॉन्फ्रेंस करके, एक COVID-19 के बारे में एक बात बताई है, और ये कहा है कि चीन और भारत को छोड़ करके, चाइना और भारत, ये दो इकोनॉमी को छोड़ करके संपूर्ण जो इकोनॉमी है, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमीज हैं, वो कहीं ना कहीं मंदी के चपेट में आ जाएंगी, और लगभग 2/3 विश्व का हिस्सा जो है, जो पॉपुलेशन है, वो इसकी चपेट में आएगा। तो इस तरीके से जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, इस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए सहयोग के रूप में $2.5 ट्रिलियन देने की बात कही गई है यूनाइटेड नेशन में, और इसके लिए जो डेटा प्रोवाइड कराया गया था वो अंकटाड के द्वारा प्रोवाइड किया गया था। अंकटाड का आपको यहाँ पे फुल फॉर्म मिल गया है, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, व्हाट इज द रिवाइज्ड पीपीएफ इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। देखिए हिंदी में थोड़ा सा गलती से यहाँ पर लिख गया है, इसको 2011 की बजाय 2021 लिख लेंगे, 2021 है ये, ठीक है। व्हाट इज द रिवाइज्ड पीपीएफ इंटरेस्ट रेट फॉर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21। तो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिख के जो पहला क्वार्टर है, पहला जो तिमाही है, उसके लिए संशोधित पीपीएफ की ब्याज दर सबसे कम जो हो गई है, अब वो कितनी हो गई है, तो ये है भाई 7.1%, ठीक है। 1% के साथ कटौती करके ये अभी तक का सबसे निम्नतम है। अगर हम पिछले 43 साल की अगर हम बात करते हैं, 43 लास्ट 43 ईयर्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो अभी तक सबसे कम है, जो कि रिवाइज 7.1 है, लोअर टू 1%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो डिसीजन है, एक तरीके से अगर देखा जाए, तो ये डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट सेविंग प्रोटेक्शन जनरल रूल्स 2018 के सेक्शन 9.1 के अंतर्गत इस चीज को, इस शक्ति के अनुसार अगर देखा जाए, इस एम्पावर या पावर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कदम उठाया है, ठीक है। तो ये अब पीपीएफ स्कीम के लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पीपीएफ का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पीपीएफ का फुल फॉर्म है भैया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, पीपीएफ। ये फुल फॉर्म भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवरत्नालु पेडा लैंडा रिकी इल्लू, ये एक गरीबों के लिए कार्यक्रम है, गरीबों के लिए घर का कार्यक्रम, घर मतलब देने का एक कार्यक्रम है। तो यहाँ पर पूछा गया है, नवरत्नालु पेडा लैंडा रिकी इल्लू हाउसेस फॉर पुअर प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच इंडियन स्टेट, यानी ये जो गरीबों के लिए घर कार्यक्रम जो है, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है बेटा आंध्र प्रदेश राज्य से। किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश, यानी कि इसको एपी के रूप में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, उसको आपको आंसर उसका मेंशन करना है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, सॉरी कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आंध्र प्रदेश के इस समय मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में आपको इतना छोटा सा क्वेश्चन मैंने पूछा है। और यहाँ पर देखिए 25 लाख घरों के लिए साइट्स की व्यवस्था करी गई है, यानी जो जगह की व्यवस्था करी गई, 25 लाख हाउसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर करा गया है, ठीक है। तो आपको ये स्कीम का नाम भी ध्यान रखना है, और ये स्कीम किसके लिए है ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और गवर्नमेंट का नाम मैंने पूछा है उसका नाम आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इसको, तो यूएनएससी हैज अननिमसली अडॉप्टेड फोर रेजोल्यूशन विच हेल्ड वर्चुअली नेम द कंट्रीज विच होल्ड, कंट्रीज नहीं है, कंट्री कर लो इसको, नेम द कंट्री विच होल्ड्स प्रेसिडेंसी फॉर कॉन्फ्रेंस। आपको यहाँ पर बताना है, यूएनएससी ने सर्वसम्मति से 4 प्रस्तावों को अपनाया है जो वस्तुतः आयोजित किए गए हैं
किस चीज के लिए आयोजित किए गए हैं, तो सबको मालूम होगा आजकल जो कोविड-19 का जो प्रकोप है उसकी वजह से ये किया जा रहा है। तो आपको बताना है, उस देश का नाम बताना है जो सम्मेलन के लिए अध्यक्ष था। तो ये जो वर्चुअल मीटिंग हुई है, आजकल आप देख रहे हैं ज्यादातर जो कॉन्फ्रेंसेज हैं वो कह सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कह सकते हैं लागू होने के कारण संपूर्ण विश्व पे एक तरीके से लागू है, अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने यहाँ लागू कर रखा है इसको। तो सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दिस इज द ओनली वे जिससे हम कह सकते हैं कोरोना वायरस से हम बच सकते हैं, तो इसी वजह से ज्यादातर मीटिंग जो है वो वर्चुअली हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो सम्मेलन हुआ है जिसमें चार प्रस्ताव पारित हुए हैं तो सर्वसम्मति से, तो ये सम्मेलन का अध्यक्ष कौन सा देश था? तो इस सम्मेलन का अध्यक्ष जो है वो चाइना था, चीन कह सकते हैं आप इसे हिंदी में, चीन जो है इसका अध्यक्ष था। और UNSC में यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो चाइना के एम्बेसडर हैं, चाइना के एम्बेसडर ठीक है, इनका नाम है जियांग जुन, इन्होंने काउंसिल की अध्यक्षता करी है। तो आपको इस काउंसिल की अध्यक्षता के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या नाम लेंगे? जुआंग जुन नाम है इनका, और ये कहां से हैं? चीन से हैं, यानी कि चाइना से हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है, व्हाट इज द ग्लोबल ग्रोथ रेट फॉर द ईयर 2020 एज पर UNDESA, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर्स? तो सबसे पहले तो आपको यहां से UNDESA का फुल फॉर्म मिल गया, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट, सॉरी डेवलपमेंट नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक DESA ठीक है, एंड सोशल अफेयर्स, ऐसे मतलब सोशल अफेयर्स, और DE मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आपको बताना है व्हाट इज द ग्लोबल रेट ऑफ द ईयर 2020 एज पर UNDESA। तो UNDESA के अकॉर्डिंग आपको बताना है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार, ये इसका फुल फॉर्म है, 2020 के लिए वैश्विक विकास दर क्या है? तो वैश्विक विकास दर यहां पर है, वैश्विक विकास दर है 2.5%। कितनी है? 2.5%, ये आपको ध्यान रखनी है। और ये कह सकते हैं कि 1% पिछले अनुमान से अगर देखा जाए तो 1% कहीं ना कहीं वो कम हो गई है, जो कि काफी ज्यादा है, ठीक, जो कि काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये था हमारा करंट अफेयर्स का सेशन, उम्मीद है कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा, छोटा सा ही सही पर इम्पॉर्टेंट सेशन है, आप इसका ध्यान रखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। और नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितनी भी आपको जो यहाँ पर डिटेल दी हुई है, आप उनमें उनमें जा करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप के लिए व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी स्क्रोल हो रहे हैं, आप उनसे भी जा करके व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ, और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार सभी को, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।